देखिए आर्या जी जो हमारे सम्मानित मित्र है, उन्होंने जिस इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया है वो पीस टाइम की इकोनॉमी है। आर्या जी थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पीस टाइम की वो इकोनॉमी है, वॉर टाइम जो अभी सिचुएशन है वो कुछ और है। मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके कमरे में बढ़िया चाइनीज एसी सस्ता जो परफॉर्म अच्छा कर रहा है लगा करके, और एक जहरीला ड्रैगन आपको बोल दें कि आप अपने बिस्तर पे लेकर के सोइए, तो आप सोएंगे? कंडीशन को आप देखिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं मान लेता हूँ चाइना ने 100% जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ हमने बंद कर दिया, तो क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है। चाइना से ज्यादातर जो है हम करते हैं ड्रग इंटरमीडिएट या उसके रॉ मटेरियल और चाइनीज जो मोबाइल वगैरह है ये टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट। आपके बगल में ताइवान बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, वियतनाम है आपके बगल में। अगर आप अपना डाइवर्सिफिकेशन उधर करेंगे, और दूसरे भी बहुत देश है, 5G से अगर वही बाहर हो रहा है तो क्या दूसरी कंपनियां नहीं है क्या? जब रही बात सस्ते और अच्छे की, तो देखिए प्राइस डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन पे। जब आप बल्क में प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइस कम होगी। आज हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम बल्क प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बल्क डिमांड नहीं है, डिमांड तो चाइना फुलफिल कर रहा है। अगर हम चाइना को बैन करेंगे तो सारे के सारे बल्क प्रोडक्शन हमारे देश के लिए जाएंगे, डिमांड हमारे देश के लिए जाएंगे या हमारे मित्र देशों के लिए जाएंगे। तो जब बल्क प्रोडक्शन की डिमांड आएगी तो बल्क प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री और वर्क हाउसेस वगैरह डेवलप होंगे। तो धीरे धीरे करके आप भी उसी लेवल पे कॉस्ट के लेवल को टच कर सकते हो। अब देखिए चाइना का क्या रहा, पूरी दुनिया इस गफलत में रही और चाइना ने बहुत ज्यादा बल्क प्रोडक्शन डेवलप करके एक एज प्राइस के मामले में जो है उन्होंने एक डेवलप कर ली पूरा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट के ऊपर, इसलिए चाइनीज सामान सस्ते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा आदमी होगा जो ये बोलेगा कि उसकी जान को खतरा है फिर भी वो उससे जो है कम्प्रोमाइज करने को तैयार होगा? तो आप वार टाइम इकोनॉमी की बात करिए, जो सिचुएशन ठीक है। लेकिन एक और एक विषय जी, एक चीज और इसमें कि हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आपने कहा ठीक है कि उसके लिए हमें तैयार होने में अपनी जो भी दिक्कतें हैं उनको फेस करना पड़ेगा, महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन जो कंसेप्ट आत्मनिर्भरता का है उसमें हम कहाँ खड़े हैं? हम अमेरिका से, हम रशिया से चीज़ें लेकर आए, उस चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो आत्मनिर्भरता स्पेशली इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक आत्मनिर्भरता लाने के लिए जितने बेसिक फैक्टर होने चाहिए वो सब हमारे पास है। अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट हमें, बहुत बड़ा लेबर हमारे पास है, चाइना के इक्विवेलेंट और चाइना से ज्यादा स्किल्ड लेबर और प्रोफेशनल्स हमारे पास है। स्पेशली अगर प्रोफेशनल्स की हम बात करें, हमारे देश के नौजवान दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सीईओ है। सवाल ये है कि इन सब ये सारे रिसोर्सेज माने जाते हैं मैनेजमेंट और इकोनॉमी में, फाइव रिसोर्सेज होते हैं जिनको 5M बोला जाता है। हमने उनको इंटीग्रेट करके, सिंक करके कभी हमने यूज नहीं किया। वार पीरियड में अगर ये सबक हमारे देश को मिलता है और इसी बहाने हम अपने सारे 5M सारे बेसिक रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे और बहुत जल्दी उस टारगेट को अचीव करेंगे। ये सफल हासिल हो सकती है, और उसके लिए हमें देखिए युद्ध के पहले दुश्मन को जितना कमजोर कर सकते हैं कर देना चाहिए जी। और किसी भी देश का जो सेना तंत्र होता है, जो मिलिट्री पावर होता है, वो इकोनॉमी से पैदा होती है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया, उसके पास पैसे आए और उसने अपनी सेना को इतना मजबूत बनाया जो कि आज वो सबकी सीमाओं में जबरदस्ती दखलंदाजी कर रहा है जी। भारत का ये कदम बहुत अच्छा है, केवल टिकटॉक और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो उनको आर्थिक लॉस होगा वो होगा ही होगा। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड, रेल, ब्रिज वगैरह ये सब बनने वाले थे, लाखों लाखों बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाली थी अगले 5 सालों में, नितिन गडकरी जी ने भी मना कर दिया। यूपी के जो आप मिनिस्टर हैं रोड वगैरह के, उन्होंने भी मना कर दिया। बिहार का आपने बताया ही बताया। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपकी सेना के बंदूकों के लिए गोली और गोला नहीं रहेगा, उनको उनको पेट में रोटी नहीं जाएगी जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रिगर करना, अभी तक कोई देश ऐसी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज की डेट में भारत ने जो चिंगारी लगाई है, चीन एक बारूद के ढेर पे बैठ गया है। भारत की देखा देखी अमेरिका कर रहा है,
दुनिया के और देश कर रहे हैं। इकोनॉमिक नातेबंदी सबसे महत्वपूर्ण बंदी होती है। सेना का तो प्रयोग एक्टिव वॉर में होता है, जब एक्टिव वे में युद्ध होगा उसके पहले जो नातेबंदी की जाती है वो इकोनॉमिक के थ्रू की जाती है। आप देखिए उदाहरण है अमेरिका, सबसे पहले आप ईरान वगैरह का देखिए, इकोनॉमिक आर्थिक नाकेबंदी करता है। सेम यही कंडीशन रशिया में हुआ, वो भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट टाइप के, वो वहां पे भी सरकारें थी और वो 10-15 हिस्सों में टूट गया बिना एक बोली चलाए हुए। धीरे 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 इकोनॉमी कमजोर होती चली गई। तो मैं बोलूंगा कि इकोनॉमिक रूप में अगर देखा जाए तो भारत सरकार का ये बहुत अच्छा पहल है। इसको मैनेज कैसे किया जाए और चाइना क्या कर सकता है, चाइना करने को मैक्सिमम ये कर सकता है अपने एक्सपोर्ट को बैन करे, लेकिन वो नहीं कर सकता है बैन क्योंकि उसकी आर्थिक मजबूरी है। WTO वगैरह के सेंटर में क्या बोल सके, वो बैन करेगा। अगर भारत को बैन करेगा तो दूसरे देश भी उससे माल लेना बंद कर सकते हैं। चाइना अगर माल नहीं बेचेगा, और भारत के साथ इसलिए भी मजबूरी है, पूरा यूरोपियन यूनियन का जितना व्यापार होता है उतना अकेले भारत के साथ होता है, और एकदम पड़ोस में है जहाँ पे लॉजिस्टिक वगैरह के खर्चे बहुत कम आते हैं। तो चाइना तो चाह करके भी भारत को बैन नहीं कर पाएगा। इससे जो दिक्कतें आएगी उसके लिए सरकार ने बड़े विजनरी प्रयोग जो है बहुत पहले शुरू कर दिए थे। मेक इन इंडिया 4-5 साल पहले शुरू हुआ था, वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोगों को बढ़ावा देना है। थोड़े दिन तक दिक्कत आएगी लेकिन ये बहुत खुशहाली ले आएगी। आप देखिए चाइना के सस्ते माल यहाँ पे जो आ गए थे, हमारे यहाँ लोकल कारीगरों से रोजगार छिन गए थे, लोग घर पे बैठ गए थे, तो हमारी इकोनॉमी फिर से बूस्ट होगी, हम खुश होंगे।